भावलपुर से आतिफ महमूद शेख। मैंने ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट डेयरी फार्म बनाया है। इसकी ब्यूटी ये है कि आप इसको 5 मिनट के अंदर अंदर ओपन शेड कर सकते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर ही इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट शेड बना सकते हैं। तो इसको इसलिए हाइब्रिड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट शेड कहते हैं। तो मेरे से इस शेड की कुछ वीडियो दोस्तों को मैंने शेयर की तो वो फेसबुक पे भी पोस्ट हुई। तो मेरे से इस शेड के बारे में ना बहुत सारे दोस्त टेलीफोन करके मोबाइल पे इसके बारे में मेरे से सवालात पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना एक अच्छी सी वीडियो बना के दोस्तों को इस शेड के बारे में बताया जाए, दिखाया जाए और इसका विज़िट कराया जाए। तो मैं इस शेड का दोस्तों आपको विज़िट कराने लगा हूँ और साथ साथ उस विज़िट में मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि इस हाइब्रिड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट शेड के फ़ायदे क्या हैं और इसको हम किस तरीके से इन्जॉय कर रहे हैं। तो आए आप इसका विज़िट कराते हैं। दोस्तों इसका फ़ायदा नंबर एक ये है कि इस वक्त ये ओपन कंट्रोल शेड है और जैसे कि आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं तो वो ये एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड, इसके जो ये राइट वाले और लेफ्ट वाले शटर्स हैं वीडियो में जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो चारों तरफ से बंद है। एक साइड पे बैक साइड पे कूलिंग पैड लगे हुए हैं और फ्रंट पे इसके एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं जो इसको इसके टेम्परेचर को अगर बाहर 47 हो और अंदर ये टेम्परेचर को 28, 29, 30 इस राउंड में घुमाते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिस वक्त, जैसे कि इस वक्त मौसम अच्छा है, हमने इसको ओपन किया हुआ है और जो आप वीडियो में देख रहे हैं उस वक्त मौसम गर्म है तो वो हमने बंद करके इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट शेड बनाया है। दोस्तों इसका फ़ायदा पॉइंट नंबर टू, दूसरा फ़ायदा ये है कि मैं इस शेड में सिर्फ टोटल 6 पंखे चला रहा हूँ जो एग्जॉस्ट फैन है, थ्रो फैन नहीं है। तो बाकी अगर इस लेवल का, क्योंकि ये 100 मिल्किंग काउज का शेड है, तो अगर मैं उसके अलावा अगर ये एग्जॉस्ट फैन के अलावा थ्रो फैन लगाता तो मेरे ख्याल से मेरे कोई 16 से 18 पंखे इसमें चलने थे। तो ये वाले पंखे जो मैंने लगाए हुए एग्जॉस्ट फैन, ये भी 2 एम्पेयर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और वो अगर 16 पंखे मैं इसमें लगाता तो वो भी 2 एम्पेयर कंज्यूम करते पर फैन। तो ये समझ लें कि 12 एम्पेयर पे चल रहा है और वो 32 एम्पेयर पे चल रहा होता, लेकिन ये 47 वाले टेम्परेचर को 27, 28, 29 कर देता है, लेकिन वो 47 वाले टेम्परेचर को जो 16 थ्रो फैन होते ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री का इम्पेक्ट देते। We'll be right back.
तो मेरे डेयरी फॉर्म से रिलेटेड दोस्तों, इसमें फ़ायदा नंबर 3 और 4 ये है कि एक काओ इसमें स्ट्रेस फ्री रहती है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें 28-29 घूम रहा होता है, बाहर हाई टेम्परेचर होता है, और उस स्ट्रेस फ्री होने की वजह से इनकी जो इनटेक है, जो दोपहर को लोग कंप्लेंट करते हैं यार हमारे जानवर 50% खाते हैं या 100% उन्होंने चारा छोड़ दिया है, तो ये 100% इनकी इनटेक मिलती है आपको, क्योंकि जानवर बहुत अंदर खुश और फ्रेश मूड में खड़ा होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि बहुत जानवर जो हैं वो प्लेजेंट बैठे हैं और खुशी से जुगाली भी कर रहे हैं। और इसका जो फ़ायदा नंबर 5 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है डेयरी के प्रॉफिट के लिहाज से, और डेयरी के तमाम मामलात इससे जुड़े होते हैं, वो है ब्रीडिंग। तो क्योंकि इसमें पूरा साल एनवायरनमेंट बड़ा प्लेजेंट रहता है, तो जिस तरह दोस्त बड़ा प्रॉम्प्ट रहते हैं यार हमने दिसंबर से मार्च तक ना गायों की एआई करनी है और उसके बाद मौसम हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे, तो इसमें कोई इस तरह का चक्कर नहीं है, क्योंकि जब आपके मौसम ही अंदर स्ट्रेस फ्री रहना है तो आप इसका पूरा साल इसको एआई कर सकते हैं और पूरे साल इससे बड़ी ज़बरदस्त कंसेप्शन रेट ले सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ायदा है कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। नंबर 6, 7 और 8 है, मतलब छठा फ़ायदा गिन लें कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मींस कोई ग्लाइकोलिन का सोर्स देने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें मक्खी मच्छर बहुत कम मिलेंगे, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला ने हमें पानी जैसी नेमत से नवाजा हुआ है, और हमें गर्मी में इतने ज़्यादा शावर चलाने पड़ते हैं अपने ओपन शेड में, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, आपने गाय को नहलाई रखना है और गर्मी से बचाई रखना है। तो इसमें यह है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे शावरिंग देते हैं, वो भी जिस वक्त हम जानवरों को फीडिंग पाथ पे कोई TMR डालते हैं, तो उस वक्त हम शावर चलाते हैं, 3 से 4 घंटे हमारी शावरिंग होती है, क्योंकि अंदर मौसम प्लेजेंट है तो हमें 1 घंटा नहला के फीडिंग टाइम पे, और उसके अलावा 1-2 घंटा एक्स्ट्रा इन्हें नहला देते हैं, तो उसकी वजह से हम अल्लाह की वो नेमत सेव कर लेते हैं जो बिला वजह एक्सेस शावरिंग की वजह से ज़ाया होती है, और उस कम शावर चलाने की वजह से
इनके जो हूव्स में जो सुराख जो मेरी कंप्लेंट रहती है ना, ये इनके गायों के खुर जो हैं वो गल गए हैं ज़्यादा पानी और ज़्यादा शावरिंग की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक दिन भी हूव्स का इशू नहीं आया कि मैं लेमनेस से भी बचा रहा हूँ, क्योंकि मेरा हर चीज़ बड़ी अप टू मार्क है। तो इसका ये एक फ़ायदा बेनिफिट है जो आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उठा सकते हैं, ओपन शेड में नहीं उठा सकते। ये दोस्तों मेरा मिल्किंग एरिया है, इधर मैंने ये 20 काउस के लिए अपना ये जो मिल्किंग का एक यूनिट लगाया हुआ है, 20 गायें होंगी इधर मिल्किंग होती है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मेरे शेड के बिल्कुल सामने है, और ये आपको इस वक्त इस दरख्त के पत्ते हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये उसके नीचे वेटिंग एरिया है काउस का और सामने मिल्किंग एरिया है। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि आप ये देखें, ये मेरे जो डेरी के पंखे हैं ये देख लें, ये इधर से डोर आ गया और इधर से आपको ये पंखे नज़र आ रहे हैं। इसकी सारी हवा जो है वो इस वेटिंग एरिया और इस मिल्किंग पार्लर में जा रही है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि हमें ना इधर एक्स्ट्रा पंखे या एक्स्ट्रा एनर्जी ना लगानी पड़े। तो ये सारे पंखों की हवा, ये एरिया काउज की जब मिल्किंग हो रही होती है इतना प्लेजेंट होता है कि काउज यहाँ भी कंफर्टेबल खड़ी होती हैं। तो हमने ना इनकी हवा भी ज़ाया नहीं की, ये हवा हमने इंजॉय की और इस हवा को यूटिलाइज़ करके ना हमने अपने इस पिट में और इस मिल्किंग एरिया जो स्टैंडिंग एरिया है या जो वेटिंग एरिया है सारी इसमें, इसके पीछे चिलर रूम है हमारा, और चिलर रूम को हमने ऑफिस भी बनाया हुआ है और चिलर रूम भी बनाया हुआ है। मैंने उसके कंडेंसर वगैरह बाहर निकाले हुए, चिलर रूम तक प्लेजेंट कर देती हैं ये वाले पंखे जो हैं। तो ये आप ये देखें, ये पंखे हैं हमारे, ये बाहर से एग्जॉस्ट करके ठंडी हवा फेंक रहे हैं। आप इनके सामने खड़े हो जाएं, आपको मज़ा आता है ठंडी हवा फेंकने, जैसे एक कूलर ठंडी हवा फेंकते हैं। तो मैं अभी आपको इसका जी फायदे तो बहुत ज़्यादा हैं जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आप अपने शेड्स को बना सकते हैं। मैं उसमें आपको गाइडलाइन भी दे सकता हूँ। इसके तो मैंने बड़े टिपिकल से फ़ायदे बताए हैं, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता रहा करूँगा। जो भी वीडियोस बनाऊँगा मैं, मतलब मैं TMR डाल रहा हूँ, मैंने रबड़ मैट लगाए हुए हैं, इस तरह के ब्ला 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 बहुत सारी मैंने एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, तो वो भी आपको शेयर करता रहूँगा। लेकिन इसके एंड में मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि आपको बिजली का बिल जो है वो बहुत कम आएगा। आप जब शेड में आएंगे आपको गायें इस तरह डांस करती हुई नज़र नहीं आएंगी, तो आपका दिल भी ऐसे धक 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 नहीं करेगा, क्योंकि जब गाय डांस कर रही होती है ना तो डेयरी फार्म भी साथ ही डांस कर रहा होता है, टेंशन में होता है। तो बिल देख के खुशी होगी क्योंकि बहुत कम पंखों में हमने बड़ा सारा काम कर लिया, क्योंकि एनर्जी कम कंज्यूम कर रहे हैं। और ये सारा माहौल अच्छा होगा तो आप वैसे ही स्ट्रेस फ्री होंगे, आप इंजॉय करेंगे, आपको ये नहीं लगेगा यार मैंने ये क्या पंगा ले लिया, मैंने इंपोर्टेड एनिमल्स मंगा के मैंने ये क्या सिरदर्दी ले ली है, मैं तो हर वक्त डॉक्टर खड़ा रहता है वो स्ट्रेस की मेडिसिन लगाता रहता है, या एक्स्ट्रा एनर्जी, या जी ये हो गया वो गाय बैठ गई है, ये गाय उठ नहीं रही। तो इन सारी परेशानियों से बाकी तो अल्लाह ताला ही हर चीज़ की परेशानी दूर करता है, लेकिन ये जो मॉडल है जो इस डेयरी का ये जो मॉडल है हाई ब्लड कंट्रोल एनवायरनमेंट शेड, मैं आप सब दोस्तों को रिकमेंड करूंगा, और तकरीबन सब दोस्तों को दावत है कि आए मेरा ये डेयरी का शेड विज़िट करें। आपको पता लगेगा कि यार ये जो हमने एक हाई ब्लड कंट्रोल डेयरी शेड बनाया, जो जब मर्जी कंट्रोल शेड कर लो, जब मर्जी ओपन शेड कर लो, ये एक पहला कॉन्सेप्ट है। ये एक कोशिश की थी, काफ़ी सारे दोस्तों ने इसमें हेल्प की, गाइडलाइन दी, कुछ अपना भी शौक था, अल्लाह ताला ने इस मकाम तक पहुंचा दिया है। मेरी जो मौसम दिसंबर में होता है उस वक्त जो प्रोडक्शन होती है, जो जून जुलाई आता है तो उस वक्त जो भी प्रोडक्शन होती है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और खुश रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।